दोस्तों पहला है एसी। जी हाँ दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा है डीसी। दोस्तों डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डीपी, दोस्तों डीपी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल। एलवी, एलवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल में लो वोल्टेज। केवीए, तो दोस्तों केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ओएलआर, तो दोस्तों ओएलआर का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले। ओएलपी, दोस्तों ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। एमसीसी, एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। आरसीसीबी, आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एमपीसीबी, एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी, तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एसीबी, एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। वीसीबी, तो वीसीबी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओसीबी, ओसीबी का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। डीओएल, तो दोस्तों डीओएल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। टीआर, जी हाँ दोस्तों टीआर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मर। पीसीसी, तो दोस्तों पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। एचवी, तो दोस्तों एचवी का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज। एचटी, एचटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई टेंशन। एलटी, तो दोस्तों एलटी का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन। ईओसीआर, जी हाँ दोस्तों ईओसीआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले। ईएलसीबी, तो दोस्तों ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एचआरसी, एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चर कैपेसिटी फ्यूज। यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एलसीएस, एलसीएस का फुल फॉर्म होता है लोकल कंट्रोल स्टेशन। सीटी, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। एक्सएलपीई, एक्सएलपीई का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। एसडब्ल्यूए, एसडब्ल्यूए का फुल फॉर्म होता है सिंगल वायर आर्मर्ड। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एफआरएलएस, जी हाँ दोस्तों एफआरएलएस, तो एफआरएलएस का फुल फॉर्म होता है फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक। ईपीआर, ईपीआर का फुल फॉर्म होता है एथिलीन पॉलीप्रोपिलीन रबर। एचपीएमवी, एचपीएमवी का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर मर्कुरी वेपर लैंप। एचपीएसवी, एचपीएसवी का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। एससीआईएम, एससीआईएम का फुल फॉर्म होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। एसआरआईएम, एसआरआईएम का फुल फॉर्म होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओएलटीसी, ओएलटीसी का फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर। एलडीबी, एलडीबी का फुल फॉर्म होता है लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पीडीबी, तो दोस्तों पीडीबी का फुल फॉर्म होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एसएलडीबी, तो दोस्तों एसएलडीबी का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ईएमएलडीबी, तो दोस्तों ईएमएलडीबी का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एमएलडीबी, एमएलडीबी का फुल फॉर्म होता है मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एसीडीबी, तो दोस्तों एसीडीबी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एमपीडीबी, जी हाँ दोस्तों एमपीडीबी का फुल फॉर्म होता है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एसीवीएस, जी हाँ दोस्तों एसीवीएस,
एसीवीएस का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम। वीवीवीएफ, जी हाँ दोस्तों, वीवीवीएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एवीआर, एवीआर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। सीसीआर, सीसीआर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कंट्रोल रूम। ईएचवी, ईएचवी का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ईएलवी, ईएलवी का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। ईएसडी, जी हाँ दोस्तों, ईएसडी का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी शटडाउन। एफसीयू, एफसीयू का फुल फॉर्म होता है फीडर कंट्रोल यूनिट। एचवीएसी, एचवीएसी का फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। टीपीएस, टीपीएस का फुल फॉर्म होता है थर्मल पावर स्टेशन। एलईएल, तो एलईएल का फुल फॉर्म होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। नीमा, जी हाँ दोस्तों, नीमा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एनईसी, एनईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ZSS, तो दोस्तों ZSS का फुल फॉर्म होता है जीरो स्पीड स्विच। FCMA, जी हाँ दोस्तों, FCMA का फुल फॉर्म होता है फ्लक्स कंपनसेटेड मैग्नेटिक एम्पलीफायर। DCDB, DCDB का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। VFD, तो दोस्तों VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। SMF, SMF का फुल फॉर्म होता है शील्डेड मेंटेनेंस फ्री। SPST, SPST का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। SPDT, तो SPDT का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। DPST, DPST का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डबल पोल सिंगल थ्रो। DPDT, DPDT का फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी टर्म का फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।